अक्सर करके अपने वीडियो से सोशल मीडिया पर धमाल मचाने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक ऐसा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया है जिसने हर तरफ तहलका मचा दिया है और बीजेपी पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर डिक्टेटरशिप नाम का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने उन मुद्दों को उठाया है जो अक्सर करके विपक्षी नेता उठाते रहते हैं। तमाम यूजर्स इस वीडियो को डिलीट करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में भारत की तुलना उत्तर कोरिया से कर दी है और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया में किम जोंग का शासन है और वहां की जनता उन्हीं के हिसाब से चलती है। अगर वो कह दे कि हंसना मना है तो हंसना मना है, अगर किम जोंग ने कह दिया कि लाल लिपस्टिक महिलाओं को नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, इस कदर उनका शासन है। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी की मौत पर रोना नहीं है हंसना है तो हंसना पड़ेगा, कुछ ऐसा है उत्तर कोरिया में किम जोंग का शासन। और उत्तर कोरिया से ही भारत की तुलना इस वीडियो में ध्रुव राठी ने की है। साफ सीधे उन्होंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा है कि क्या भारत से डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, जिसके बाद तो बवालों का सवाल ही खड़ा हो गया। ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में सिर्फ भारत की तुलना उत्तर कोरिया से ही नहीं की बल्कि इलेक्शन कमीशन के काम करने के तरीकों पर भी सवाल उठा। इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स दो गुट में बटे नजर आए, एक तो वो जो ध्रुव राठी का समर्थन कर रहे हैं, इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं और बीजेपी के एक्सपोज्ड होने की बात कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि एक ही वीडियो में ध्रुव राठी ने बीजेपी के कारनामों का पर्दाफाश कर दिया है, तो दूसरी तरफ वो यूजर हैं जो इस वीडियो को डिलीट करने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भारत की छवि धूमिल करने की एक कोशिश है, ध्रुव राठी ने भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की है, इस वजह से उन्होंने ऐसा वीडियो बनाया। हालांकि ध्रुव राठी की तरफ से इस पर कोई भी अभी तक कॉमेंट नहीं आया है, ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ध्रुव राठी ने तमाम विवादित वीडियो बनाए हैं, तमाम ऐसे वीडियोज बनाए हैं। उनके कुछ आध वीडियो तो YouTube ने खुद ब्लॉक भी कर दिए, डिलीट भी कर दिए। यूजर्स लगातार ध्रुव राठी के इस वीडियो को लेकर कमेंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर तरफ ध्रुव राठी ही छाए हुए हैं। लोगों का कहना है कि एक ही वीडियो में और एक ही रात में ध्रुव राठी ने बीजेपी के काले चिट्ठों को खोल कर रख दिया, मनसूबों को उन्होंने एकदम नाकाम कर दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूट्यूबर ध्रुव राठी ने ईडी, सीबीआई और सभी सरकारी एजेंसियों के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। ध्रुव राठी का इस वीडियो में कहना है कि सरकारी एजेंसियों का मौजूदा सरकार दुरुपयोग कर रही है, अपने फायदे के लिए इन एजेंसियों का सरकार इस्तेमाल कर रही है। हालांकि यूजर्स जमकर ध्रुव राठी के इस वीडियो पर कॉमेंट कर रहे हैं और ध्रुव राठी को फटकार भी लगा रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि उस दौर को याद करिए जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब भी लगातार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आ रही थी, तब ऐसे सवाल क्यों नहीं खड़े होते थे। इसी वीडियो में ध्रुव राठी ने कहा है कि देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। आपको बता दें कि ध्रुव राठी का ये कोई पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने तमाम विवादित वीडियो बनाए हैं। द केरल फिल्म स्टोरी जब आई थी तब उन्होंने एक वीडियो बनाया था, एक और वीडियो बनाया था जिसको सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह कहकर ब्लॉक कर दिया कि इस वीडियो में नक्शे के साथ छेड़छाड़ की गई है। हाल ही में उन्होंने डाबर कंपनी को लेकर एक वीडियो बनाया जिसमें उनके प्रोडक्ट्स पर सवाल खड़े किए, ये मामला तो कोर्ट तक गया। वैसे तो ध्रुव राठी पेशे से यूट्यूबर हैं, मूलतः वो हरियाणा के रहने वाले हैं, जर्मनी में रहते हैं, अभी वहीं से वीडियो बनाते हैं और उनकी एक एक वीडियो जब आती है तो वो तहलका मचा देती है। उनकी पहली वीडियो ही थी बीजेपी एक्सपोज्ड। ध्रुव राठी के डिक्टेटरशिप वीडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि देश वन पार्टी वन नेशन की तरफ बढ़ रहा है? क्या सच में यहाँ पर तानाशाही चल रही है? क्या सच में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है? क्या सच में एक वक्त ऐसा आएगा जैसे कि उत्तर कोरिया में होता है वैसा ही कुछ भारत में होगा? क्या सच में भारत से डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? हजारों सवाल हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा।
आपको क्या लगता है, क्या ध्रुव राठी के वीडियो में सही बात कही गई है? सोचिएगा ज़रूर और सोचकर जवाब दीजिएगा।